फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सिंगल कलर का निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ जो कि मैंने इस कार्डिगन में डाला हुआ है। ये कार्डिगन आप देखें, मैंने इस कार्डिगन में मुड्डे तक के एक डिजाइन डाला हुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, और मुड्डे से ऊपर मैंने ये दूसरा डिजाइन डाला हुआ है जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दाएं से बाएं चलने वाला पैटर्न और बाएं से दाएं चलने वाला पैटर्न, सिंगल कलर डिजाइन नंबर 2, वो मैंने इसमें ऊपर डाला है। अगर आपको ये डार्क कलर में थोड़ा कम नजर आ रहा हो तो मैं आपको दूसरा कार्डिगन दिख, ये देखिए, ये लाइट कलर का कार्डिगन है, इसमें आपको ये डिजाइन पूरा साफ नजर आ रहा होगा। ये डिजाइन मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, इस कार्डिगन में ये मैंने पूरा डाला है। डिजाइन के एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे उस कार्डिगन में मैंने ये मुड्डे तक डाला था, ऊपर दूसरा डिजाइन डाला था और इसमें पूरा डाला है। ये एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से करेंगे। ये डिजाइन देखिए कार्डिगन में कितना सुंदर लगता है, बेबी स्वेटर में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें फ्रॉक की प्लेट्स दिखानी हो उसमें भी ये डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताती हूँ। ये देखें, ये 7 फंदे का डिजाइन है, ये 2 उल्टे फंदे हमने इस डिजाइन को अलग अलग दिखाने के लिए लिए हैं। ये डिजाइन सीधा केबल की तरह आएगा। अब मैं आपको इसमें ये डिजाइन डालना बताती हूँ। ये हमने इसमें 22 फंदे डाले हैं, एक फंदा उतारा, 2 फंदे उल्टे बनाए। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदे का एक किया, 2 फंदे का एक किया हमने, ये हमारे उल्टी तरफ से सीधी तरफ हमने सलाई डाली फंदों में और 2 फंदे का एक कर लिया। ऊन आगे करी, 3 फंदे सीधे बना लिए, ऊन आगे कर 1 फंदा उतारा, अगला फंदा बनाया और उतारा हुआ फंदा बनाए हुए फंदे के ऊपर से हमने उतार दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 का एक हुआ, जाली पड़ गई, फिर 3 फंदे सीधे बने, फिर जाली है और फिर 2 फंदे का एक हो गया, फिर 2 फंदे हमारे उल्टे। फिर हमने डिजाइन को रिपीट करना है, ये 2 फंदे का एक फंदा बाईं तरफ से दाईं तरफ, आगे ऊन कर 3 फंदे सीधे, आगे ऊन कर फंदा उतारा, अगला फंदा बनाया, उतारा हुआ फंदा बनाए हुए फंदे के ऊपर से उतार दिया, फिर 2 फंदे हमारे उल्टे और 1 फंदा हमारा सीधा। उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। अब ये हमारी तीसरी सलाई है, एक फंदा हमने उतार लिया, 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, ऊन पीछे ले जाकर 1 फंदा सीधा और ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा भी सीधा, 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। ऊन आगे कर बाईं तरफ से सलाई डालकर दाईं तरफ ये 3 फंदे हमारे को एक बना देने हैं, ये हमारा 3 का एक हो गया। अब फिर हम ऊन आगे करेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बना लेंगे। अब आप देखेंगे ये 2 फंदे हमारे सीधे बने, जाली डली, 3 का एक हुआ, फिर ये जाली डली है और फिर ये 2 का एक है, 2 फंदे उल्टे, फिर डिजाइन वही रिपीट होगा, एक सीधा 2 सीधे, ऊन आगे करी, बाएं तरफ से दाएं तरफ 3 का एक कर देंगे, ऊन आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, एक सीधा, चौथी सलाई पूरी सीधी, वो उल्टी बनेगी चौथी सलाई। ये देखेंगे, ये 4 सलाई का ये डिजाइन है। डिजाइन ये हमने डाल लिया है पर अभी आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा, एक बार और हम रिपीट करेंगे तो डिजाइन आपको क्लियर हो जाएगा।
अब पांचवी सलाई है हमारी, जो कि पहले की तरह ही बनेगी। एक उतारा, दो उल्टे। अब ये बाईं तरफ से दाईं तरफ दो फंदे का एक फंदा करना है हमने। बाईं तरफ से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा, आगे ऊन करेंगे ये तीन फंदे सीधे, आगे ऊन करेंगे, फंदा उतारेंगे, अगला फंदा बनाएंगे, उतारा हुआ फंदा बनाए हुए फंदे के ऊपर से उतार देंगे, फिर दो उल्टे। डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे, बाईं तरफ से सिलाई डालकर ये दो फंदे का एक करेंगे, आगे ऊन करेंगे तीन फंदे सीधे, आगे ऊन करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, अगला बनाएंगे, उतारा हुआ फंदा बनाए हुए फंदे के ऊपर से उतार देंगे, दो फंदे उल्टे, लास्ट फंदा ये सीधा और फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अभी हमारी सातवीं सिलाई है, ये तीसरी सिलाई की तरह बनेगी। एक फंदा उतारा, दो फंदे उल्टे, दो फंदे ये सीधे बनाए, ऊन आगे, बाईं तरफ से सिलाई डालकर तीन का एक, ऊन आगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, ऊन आगे, बाईं तरफ से सिलाई डालकर तीन का एक, ऊन आगे, दो फंदे सीधे, दो उल्टे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। अब आपको ये थोड़ा डिज़ाइन क्लियर हो रहा होगा और मैं आपको ये दो डब्बियाँ और बनाकर फिर दिखाती हूँ। अब आप देखेंगे डिज़ाइन आपको क्लियर हो रहा होगा। ये सात फंदों का डिज़ाइन है, ये दो फंदे दो दो ये इनको सेपरेट करने के लिए सात फंदे की लाइन को डाले हैं। बेसिकली ये सात फंदे का डिज़ाइन है और इसमें चार लाइनें बनी हैं, उन्हीं को रिपीट करते जाना है। तो ये डिज़ाइन सीधा ऐसे एक लाइन में आता जाएगा। अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।